नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत के दुश्मनों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारने का दम रखता है। इसीलिए अब आतंकी थर थर कांप रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड ही क्यों ना हो, एक एक करके 72 हूरों के पास पहुंच रहे हैं। इन आतंकियों को ऐसा लग रहा था कि ये अमर हैं, लेकिन अब एक एक कर इन्हें निपटाया जा रहा है और पाकिस्तान भीगी बिल्ली बनकर ना कुछ कर पा रहा है, ना ही अपने देश में पल रहे इन आतंकियों को कुछ कह पा रहा है। लेकिन अब इसकी कमान भारत ने थाम ली है। अब एक एक कर चुन चुन कर पाकिस्तान में दुम दबा कर बैठे छिपे ये आतंकी अब एक एक कर ढेर हो रहे हैं। इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और अब लंबे वक्त बाद पाकिस्तान, जो इतने समय से चुप बैठा था, ना कुछ बोल रहा था, ना इन आतंकियों के खात्मे पर कोई बयान दे रहा था, अब इस पाकिस्तान की भी जुबान खुल चुकी है। पाकिस्तान का कहना है कि पाक में भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की धरती पर 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते समय विदेश मंत्री सचिव काजी ने कहा कि भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड हैं। काजी ने मारे गए 2 लोगों की पहचान शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज के रूप में की, जिनकी पिछले साल अलग अलग घटनाओं में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के विदेश सचिव का कहना है कि भारत ने पाक में ऑपरेशन को अंजाम देने का काम बड़ी सावधानी से साथ किया है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि विदेश में रह रहे इन भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए छोटे अपराधियों और जिहादी मानसिकता वाले लोगों का इस्तेमाल किया है। देखा जाए तो पाक अब इतना डर चुका है, इतना सहम चुका है कि अब आरोप लगातार भारत पर लगा रहा है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान का सहारा ले रहा है। पाक के विदेश सचिव का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में पिछले 2 वर्षों में रहस्यमय ढंग से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। इन हत्याओं में अधिकांश में एक बात समान थी कि या तो ये आतंकी कश्मीरी थे या कश्मीर के मुद्दे से जुड़े हुए थे और वे सभी किसी ना किसी तरह से भारत द्वारा वांटेड थे। हालांकि अब पाकिस्तान के लगाए गए इन आरोपों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है, पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपोगेंडा चलाने की नई कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और दूसरे अपराधों में शामिल रहा है और इसका गढ़ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान को इस बारे में वार्निंग भी दे चुके हैं। अब पाकिस्तान दूसरे देशों पर आरोप लगा रहा है, इससे किसी मुश्किल का हल नहीं निकल सकेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान अब इतना बिलबिलाया हुआ है, इतना डरा हुआ है कि उसके ही घर में मारे जा रहे आतंकियों का आरोप भारत पर लगाया जा रहा है और इतना ही नहीं, भारत को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कहीं भी नहीं रहा। जिस तरह से दिन ब दिन उसी के घर में पल रहे आतंकियों की हत्या हो रही है, ये शायद अब पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसीलिए इस तरह से बेबाक और इस तरह से बदनाम कर देने वाले बयान पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और जिस तरह से पाकिस्तान ने इतने लंबे समय बाद अपनी जुबान खोली है, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।